शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कितने कितने टेबल बाहर हो गए आप लोगों के, रोज बोल रहे हैं ना आप लोग, वेरी गुड। तो फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैंने जो अपलोड किया था मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन, आई होप आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो वैसे तो कोई डाउट आए नहीं है मुझे अभी तक कमेंट बॉक्स में, सबने थैंक यू ही कहा है, तो मैं ऐसे समझती हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और रोज आप लोगों को टेबल बोलना है विदाउट फेल। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे मेरा चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप कीजिएगा। और ये है बिल्कुल मुफ्त, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था मल्टीप्लिकेशन, तो पार्ट वन हम लोगों का चालू है अभी। तो ये एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है ये सब सिखाया है। पीछे जो मैथमेटिक्स है उसका मेथड भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, आप लोग सब समझ गए हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लाइंग एनी थ्री डिजिट नंबर बाय अ वन डिजिट नंबर। अभी थ्री डिजिट नंबर्स जो है उसको हम लोग वन डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं वो सीखने वाले हैं। मेथड सब सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो फिर भी मैं इन लोगों के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वन सेट ऑफ टेक्स्ट बुक कॉस्ट ₹245। टेक्स्ट बुक का एक जो बुक है वो कितने रुपीस का है, 245 रुपीस का है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 सच सेट्स, तो 8 बुक्स का कितना कॉस्ट हुआ, यानी कितने रुपीस हुए, ये आप लोगों को बताना है। सिंस द कॉस्ट ऑफ 8 सेट ऑफ टेक्स्ट बुक विल बी 8 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ 1 सेट, वी विल मल्टीप्लाई 245 बाय 8। रिमेंबर दैट 245 इक्वल टू, अभी 245 को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम लोग कैसे हम लोगों ने सीखा था, इसमें प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम लोगों को लिखना है। जैसे अभी 200 प्लस 40 प्लस 5 लिखा हम लोगों ने, तो अभी इसका हम लोग करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि एक बुक का रेट है 245, तो 8 बुक का अगर हम लोग रेट निकालेंगे तो कितने रुपीस होंगे। तो देखो हम लोगों ने जैसे पिछले इसमें मैंने 2 इसमें आप लोगों को मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, सेम मेथड वही होने वाला है, सिर्फ ये जो नंबर है वो बढ़ेंगे। 240 एंड 5 अलग से आया, यूनिट टेंस एंड हंड्रेड्स। फिर उसके बाद इन टू का साइन देना भूलना नहीं है आप लोगों को, वरना 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर 8, ठीक है, फिर 8 to the 16, 0 0 वैसे ही आएंगे। 8 4 the 32, 0 वैसे का वैसे आएगा। 8 5 the 40 आया। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने 1600 320 प्लस 40 यहाँ पर एडिशन किया और हम लोग को आंसर मिला है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 8 सेट्स ऑफ रुपीज 1960। तो हम लोगों को कुल मिलाकर कितने खर्चे लगे 8 बुक्स लेने के लिए, 1960 रुपये लगे। तो यही मेथड से आप लोगों को जो नीचे दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई 124 इंटू 3 दिया है तो 120 एंड 4 आएगा, तो 124 इंटू का साइन यहाँ पर आएगा और नीचे आएगा 3, तो 300 हो गया। 3 2 the 6 का 60 हो गया। 3 4 the 8, 8 का 80 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसका एडिशन करके आप लोग लिखोगे। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया है, ओके। फिर आगे भी इन्होंने यही दिया है,
द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 650 रुपीज, देन फोर चेयर का भी यही मेथड है, ठीक है, 650 × 4, और इसका भी वही आएगा 825 × 5, तरीका सेम। अभी ये जो आगे इन्होंने हमें दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई अ 3-digit number बाय अ 2-digit number। अभी जो मल्टीप्लाई है 3-digit number का मल्टीप्लीकेशन हम लोग 2-digit number के साथ किस तरह से करेंगे। व्हाइल प्लांटिंग राइस 28 rows हैव बीन प्लांटेड विथ 244 seedlings इन ईच रो। तो हम लोग राइस की खेती कर रहे हैं और 28 लाइन में हम लोगों ने ये राइस लगाना शुरू किया है और कुल मिलाकर हम लोगों ने 244 seedlings किए हुए हैं, ठीक है, इन ईच रो। एक लाइन में हम लोगों ने 244 बीज डाले राइस के, ओके। देन हाउ मेनी सीडलिंग हैव बीन प्लांटेड, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने कितने बीज डाले। देर आर 244 सीडलिंग इन ईच रो, सो देर मस्ट बी 28 टाइम्स एज मेनी सीडलिंग इन 28 रोज, ओके। We will multiply 244 by 28. अभी 244 को हम लोगों ने ये क्या ascending order में लिखा 200 plus 40 plus 4 और 28 को हम लोगों ने किया 20 plus 8 place value, okay? फिर उसके बाद system वही है, 244 को हम लोगों को multiply करना है 28 से, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा 244 × 20 and 8, देन 2 × 2 = 4, तो 200 का 20 और 20 का 10, 2 × 4 = 8, 20 का 10, 40 का 10 हो गया 800, फिर 2 × 4 = 8 या फिर 24 = 80 भी आता है, ओके। अभी टेबल बाहर हो गए तो आप लोग कर दोगे फटाफट। फिर 8 × 2 = 16, 8 × 4 = 32, ओके। फिर इन सब का हम लोग करेंगे एडिशन, 4,600, फिर 800 and 320, एंड 80 और 32, प्लस 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 करके इसका आंसर आया है। प्लस भी हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से यूनिट प्लेस से करेंगे, 2 का 2, 8 × 2 = 10 and 3 = 13, एडिशन 1, फिर 6 and 7, 8, 9, 10 and 18 का 8, एडिशन 1, 4 and 5 and 6, ओके। इस तरह से 6,832 सीडलिंग्स हैव बीन प्लांटेड, मल्टीप्लाई 709 × 76, तो 700 जीरो का जीरो ही आएगा प्लस 9, 76 का 70 + 6 इंटू 700 × 9 = 70, फिर इसका किया 7, 7 = 49, इसका 10 इसके 20 मिलाकर 3, 70 जीरो ही आता है जीरो का, ठीक है, नहीं तो 70 ऐसे मत लिखना, 70 आएगा ना तो बहुत इजी हो जाता है। आप लोग पहले डरते थे ना जीरो से, अभी तुम लोग का डर निकल गया होगा मेरा वीडियो देखने लगे तब से। अभी 7, 7, 9 = 63 और इसका जीरो ये जो था इसका यहाँ पर ले लिया हम, फिर 6, 7 = 42, 20 ले लीजिए, 600, 6, 9 = 54, फिर इसका इसका इस ये तो है ही नहीं, तो ये और ये हम लोगों ने किया इसका एडिशन और हमारा आंसर आया 53,884, ओके। तो इस मेथड से आप लोगों को भी ये सम्स जो है सेम मेथड है सॉल्व करने हैं, तो आ जाएगा ना भी आप लोगों को करने के लिए। और यहाँ पर भी जो इन लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम दिए है, द कंसेशनल रेट ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी इज 175, इफ 31 स्टूडेंट्स इन अ क्लास गिव देयर टीचर दैट अमाउंट फॉर द डिक्शनरी, हाउ मच मनी हैज द टीचर कलेक्टेड।
तो एक डिक्शनरी की कीमत थी 175 रुपीज। तो इस तरह से 31 स्टूडेंट ने 175 रुपीज दिए, तो टीचर के पास कुल मिलाकर कितने रुपीज जमा हो गए? तो 175 × 31 आएगा इसका, ठीक है, फिर आपको मिलेगा आंसर। मेथड यही है। अ वैन कैरीज 205 क्रेट्स ऑफ मैंगोस। 205 मैंगो के क्रेट्स लेकर आई एक वैन। इफ ईच क्रेट कंटेंस 48 मैंगोस, एक क्रेट में 48 मैंगोस है, हाउ मेनी मैंगोस आर देयर इन द वैन? तो कुल मिलाकर वैन में कितने मैंगोस हो गए? तो आप लोग करेंगे 205 × 48, तो आप लोगों को मिलेगा आंसर। ओके, क्लियर टू ऑल? गुड, ग्रेट। तो इस तरह से हम लोगों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है, और अभी हम लोग आ गए हैं डिवीजन तक। तो अभी लेसन नंबर 6 डिवीजन पार्ट 1 मैं आप लोगों को सिखाती हूँ जल्दी ही। तब तक जो मल्टीप्लिकेशन है आप लोग सॉल्व कीजिएगा जो मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया हुआ है। और अभी तो बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि मिस हम लोग जब से आपका वीडियो देख रहे हैं हम लोग को पूरा समझ में आ रहा है और हम लोगों को बहुत मजा भी आ रहा है और हम लोग होमवर्क भी है पूरा कर रहे हैं। आप हमें अपने से भी होमवर्क दिया कीजिए, ऐसा कर रहे हैं भाई। एक ही सब्जेक्ट नहीं है आप लोगों को पढ़ने के लिए, और भी तो सब्जेक्ट है ना, तो सब सब्जेक्ट का आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट आ रहा है, एक सब्जेक्ट को पीछे छोड़ दिया तो ऐसे नहीं चलेगा। ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, और ये SSC तलक आप लोगों को ऐसे ही चलते रहने वाला है। इसके लिए तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, जो इजी लगता है उसी को करते बैठ जाते हैं, और जो हार्ड लगता है ना उसकी ओर देखते भी नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है आप लोग को, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देना है। अगर कोई सब्जेक्ट हार्ड जा रहा है आप लोग को तो मेरे चैनल पर जाइए और देखिए, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स ईजी लगने लगेंगे। और जो बच्चे देख रहे हैं ऑलरेडी उन लोगों को तो ईजी हो ही गए हैं सारे सब्जेक्ट्स, तो देखो आप लोग कमेंट में आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, तो भी अच्छे से पढ़ाई करना, सुस्ती बिल्कुल भी मत करना। आप लोगों को बिल्कुल छुट्टियां नहीं पड़ी हुई है, आप लोगों के स्कूल चल रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से खाली आप लोग स्कूल में नहीं घर में बैठकर पढ़ रहे हो। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो आप लोगों का बहुत फायदा होगा, क्योंकि नॉलेज इम्पोर्टेंट होता है ना रादर देन मार्क्स। तो मेरे हिसाब से तो भाई मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, अगर आप लोगों को नॉलेज पूरा होगा तो मार्क्स अपने आप ही मिल जाएंगे आप लोगों को, है ना। तो इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आप लोग के एग्जाम चल रहे हैं तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।